कैसे मनुष्य को सेनापति पद पर नियुक्त करें, यह इस मंत्र में कहा है। उपयामा गृहीतो सीत्यस्य वत्सारः काश्यप ऋषि विश्वे देवा देवताः ब्राह्मी त्रिष्टुप छन्दः दैवतः स्वरः। ओम उपयाम गृहीतो सीन्द्राय त्वा बृहत्वते वयस्वता उक्थाव्यं गृह्णामि यत्त इन्द्र बृहत्वयस्तस्मै त्वा विष्णवे त्वेषा ते योनि रुक्थेभ्यस्त्वा देवेभ्यस्त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामि। जो योग्य राजा है वह अपनी सेना में वीर पुरुषों को अच्छे अच्छे पदों पर रखता है। राज्य की शासन व्यवस्था के लिए सेना की आवश्यकता होती है। राजा का कर्तव्य है कि जो अच्छी शिक्षा से युक्त है, जो शस्त्र और अस्त्र विद्या में परम प्रवीण है, जो नित्य यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला है, ऐसे वीर पुरुष को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करे। राजा और सेनापति को चाहिए कि परस्पर सम्मति करके राज्य और धर्म कर्म को बढ़ावे और अपने राज्य में निरंतर होने वाले यज्ञ की रक्षा करें। सब विद्याओं में प्रवीण पुरुष को सभा का अधिकारी बनाना चाहिए, यह अगले मंत्र में कहा है।